मौसमी बीमारियों से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हालात ये हैं कि जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की ओपीडी में मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ऐसे में चिकित्सकों द्वारा आमजनों को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचने की सलाह दी जा रही है। कोरोना महामारी के बाद अब आमजन संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बरसात और तेज धूप के कारण फैल रहे संक्रमण से मलेरिया, पीलिया और डेंगू जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तेजी से पैर पसार रही संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए चिकित्सकों द्वारा आम जनों को इससे बचने की सलाह दी जा रही है। देखिए, ऐसे डायग्नोस्ड केस डेंगू के कम आ रहे हैं, जांचें हो रही हैं, डेंगू के केस तो एक आध ही निकलता है, लेकिन ओपीडी हालांकि जरूर हमारी 790 10 तारीख को 800 के आसपास थी, 11 तारीख को 750 के आसपास थी और 12 को 650 के आसपास ओपीडी थी, जिसमें से 30-40% जो केसेस हैं वो फीवर के ही आ रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि अमूमन वायरल फीवर है जो कि पानी इकट्ठा और मच्छर की वजह से फैल रहा है। इसमें मूल कारण जो देखने में आ रहा है, क्योंकि बरसात का समय अभी भी बरसात बहुत तेज़ी में थी, तो जो पानी इकट्ठा हुआ है और गर्मी अभी गई है, तो लोगों के घर में कूलर में पानी भरा हुआ, गमलों में पानी भरा हुआ, उससे मच्छरों की तादाद ज़्यादा बढ़ी है। और चूंकि डेंगू का मच्छर बड़ा सफाई पसंद मच्छर है, वो साफ पानी में रहता है और सुबह और सूर्यास्त के थोड़ा पहले उस समय पर ज़्यादा काटता है, और ये समय अमूमन बच्चों के खेलने का भी होता है, तो इस समय पर इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की संभावना रहती है। बचाव के उपाय आप ये कर सकते हैं कि पहले तो मच्छरदानी लगा के सोएं, जब यदि ग्राउंड खेलने कहीं बाहर बच्चे खेलने जाएं तो उन्हें रिपेलेंट वगैरह जो ऑइंटमेंट आती है, लोशन वगैरह आते हैं, वो लगा कर भेजें। और कोई भी समस्या होने पर, बुखार, उल्टी दस्त, पेट में दर्द या कुछ भी शरीर में चिकत्ते आना, ऐसी कोई भी समस्या होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए आए। बरसात में होने वाली संक्रामक बीमारियों से आमजनों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में जगह जगह लार्वा विनष्टीकरण के लिए टीमों का गठन किया गया है, जो कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं।